नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अनुपमा जी। और शुरुआत में सबसे पहले आपको दिखाते हैं पुलिस की वर्दी में नौटंकी। जी हां, वाकई सुपौल का है, जहां सदर अस्पताल के बाहर एक शख्स का हाई वोल्टेज ड्रामा नजर आया। पुलिस की वर्दी पहना यह अधेड़ शख्स काफी देर तक अस्पताल के बाहर नौटंकी करता रहा, खुद को रखवाला बताता रहा। खुलेआम हो रही इस नौटंकी से प्रशासन भी बेखबर नजर आया। और इतना ही नहीं, आम लोगों के बीच पुलिस की फजीहत जैसे हालात बन गए। देखिए किस तरीके से ये शख्स जो है नौटंकी करता हुआ पुलिस की वर्दी में नजर आ रहा है। अभी तो खाता है, दो चार पहले खाता है, जिंदगी और बता। मुझे बाजार मिला जिंदगी को जबड़ा करके तीन बेर खाते हैं। गाना कौन गावे छ? दोस्ती अभी तो आवे गा फरिश्ता है, दो चार पहले खाता है, जिंदगी और बता। मुझे बाजार मिला जिंदगी और को जबड़ा करके तीन बेर खाते हैं। गाना कौन गावे छ? दोस्ती और चलिए बढ़ते हैं आगे। पटना में ऊर्जा विभाग का मुख्यालय नए रंग में नजर आ रहा है, या यूं कहें कि ये भवन अब बोलने लगा है। दरअसल यहां की दीवारों पर बनाई गई पेंटिंग्स बरबस ही लोगों को अपनी ओर खींच रही हैं। हमारी खास रिपोर्ट देखिए। कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं, लेकिन पटना में एक दीवार ऐसी भी है जो न सिर्फ सुन सकती है बल्कि बोल भी सकती है। ऊर्जा विभाग के मुख्यालय पर बनाई गई ये पेंटिंग बरबस ही लोगों को अपनी ओर खींच रही है। जल जीवन हरियाली का संदेश देती इस पेंटिंग को अर्जेंटीना के कलाकारों ने 12 दिनों की मेहनत के बाद बनाया है। दीवारें बोल उठेंगी, कुछ ऐसी ही जो एक स्लोगन है वो हम लोग पेंटिंग के बारे में सुनते हैं, आर्टवर्क के बारे में सुनते हैं। और ये आर्टवर्क है और ये किया गया है ऊर्जा विभाग का भवन है, जो मुख्यालय है उस पर किया गया। और जो यहाँ के कलाकार हैं वो हमारे साथ हैं। अभिजीत, क्या कहेंगे, किस तरह से आप लोगों ने सोचा और इसको अंजाम दिया? ये मतलब बेसिकली एक थीम था कि नेचर के ऊपर से, वी आर लाइट बाय अलनीज एंड फेडरिका, जो मेन आर्टिस्ट थे उनके साथ में भी था, हम लोग सब मिलके इट टेक्स अराउंड 12 डेज में पूरा कंप्लीट किया था। इस पेंटिंग में प्रकृति के कई रंगों के साथ दो दिव्यांग बच्चों को भी जगह दी गई है। मकसद ये बताना है कि ये बच्चे बेहद सशक्त हैं और आने वाली पीढ़ी को भी पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। इनके माध्यम से हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि ये बच्चे कितने सशक्त हैं और इनके हाथों में ही आने वाला वर्ष और यह पर्यावरण पूरी तरह से उनका संरक्षण होगा और मजबूत रहेगा। ऊर्जा विभाग की दीवारों पर हुए आर्ट वर्क का गुरुवार को ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने उद्घाटन किया। मुख्य उद्देश्य है प्रकृति का संरक्षण, जो हम लोग नेचुरल प्रोडक्ट है और मनुष्य भी, तो प्रकृति को संरक्षित करने की जो एक प्रेरणा है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है जल जीवन हरियाली, उसी को प्रेरित करने के लिए, उसी को पर इम्पैक्ट डालने के लिए लोगों के बीच में ये बातें जाए, इस काम को किया गया है। 2 अक्टूबर को बिहार सरकार की तरफ से लागू की गई जल जीवन हरियाली योजना का मकसद लोगों को जीवन के साथ पर्यावरण बचाने का संदेश देना है, जिसे ये दीवार भी अब बखूबी निभा रही है। शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। पटना में भारी बारिश के बाद 10 दिनों तक जलजमाव के हालात को लेकर सरकार अब काफी गंभीर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पटना में हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद समेत पटना जिले के सभी जनप्रतिनिधि मौजूद थे। बैठक में जल जमाव को लेकर सभी प्रतिनिधियों ने अपने अपने सुझाव दिए। बैठक में छठ के पहले जल जमाव को दूर करने का मुख्यमंत्री ने आदेश जारी किया। मुख्यमंत्री ने शॉर्ट टर्म में काम करने के लिए अगले 10 दिनों तक खत्म करने का आदेश दिया है और टाइमलाइन भी दी है।
वहीं लॉन्ग टर्म के लिए योजना बनाई जाएगी, इसके लिए बजट से राशि भी उपलब्ध कराई जाएगी। अगले वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले ही शॉर्ट और लॉन्ग टर्म पर काम करना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनियों के साथ साथ सोमवार को बैठक होगी, जिसमें शहरी क्षेत्र में हुए नुकसान के क्लेम की समीक्षा की जाएगी और जो भी क्लेम आएंगे उसे निपटारे के बारे में बातचीत की जाएगी। इसके लिए सरकार कंपनियों पर दबाव बनाएगी। बाद में इस मसले को लेकर 8 से 10 नवम्बर के बीच एक बार फिर से समीक्षा बैठक होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जल जमाव पर समीक्षा बैठक जो है की गई, सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये समीक्षा बैठक की गई, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंश्योरेंस कंपनियों के साथ सोमवार को बैठक होगी। और जिस तरीके से लगातार शहरी क्षेत्र, चाहे राजेंद्र नगर की बात करें, पटना के कई इलाकों की बात करें, जहां जल जमाव हुआ था, वो सड़कों पर उतरे, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से जो 6,000 रुपए राशि दी जा रही है वो पर्याप्त नहीं है और अब सरकार इस पर मंथन चिंतन कर रही है। साथ ही शॉर्ट और लॉन्ग टर्म काम जो है उसको लेकर एक समीक्षा बैठक की गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि शॉर्ट टर्म काम जो है वो अगले 10 दिनों में किया जाएगा और लॉन्ग टर्म के लिए अगले वित्तीय बजट से पैसे जो है वो लिए जाएंगे। नीतीश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5% का इजाफा करने का फैसला किया। नीतीश कैबिनेट में लगी फैसले पर मोहर के बाद महंगाई भत्ता 17% हो गया है, जिससे करीब 3.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। साथ ही पेंशन धारक भी इस फैसले के दायरे में होंगे। फैसला 1 जुलाई 2019 से प्रभावी होगा और अक्टूबर महीने के वेतन से ही बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलने लगेगा। इस बार वेतन का भुगतान भी दिवाली से पहले ही हो जाएगा। नीतीश कैबिनेट ने कुल 35 फैसलों पर मोहर लगाई है, जिसमें बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 22 नवंबर से 28 नवंबर तक चलाने के फैसले पर मोहर लगी। इस दौरान कुल 5 बैठकों का आयोजन होगा। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल के वैट दरों में बदलाव किए जाएंगे। डीजल और पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी का असर अब उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा, ये बात जो है निर्णय लिया गया है। और पेट्रोल के बेस मूल्य 65 रुपए तक पर 26% वैट लगेगा, लेकिन 65 रुपए से अधिक दाम होने पर वैट दर घटकर 22% कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ डीजल की बात करें तो डीजल के बेस प्राइस 54 रुपए तक होते हैं तो वैट 19% और अगर 64 रुपए से ऊपर जाता है तो वैट 15% वसूला जाएगा। और इसके साथ ही गंगोता जाति को ST दर्जा देने का फैसला भी लिया गया। राज्य में जो गंगोता जाति है उनको आर्थिक और सामाजिक उन्नयन के लिए उनको अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित करने के लिए अनुशंसा जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित किया जाएगा। नियमित वर्षा, अल्पवृष्टि, अतिवृष्टि के कारण सुखाड़ और बाढ़ दोनों का स्थिति इस बार खरीफ 2019 मौसम में हुआ है, तो उससे फसल की क्षति हुई है। तो ऐसे कहां कहां फसल की क्षति हुई है इसको सर्वेक्षण जिला पदाधिकारियों से कराया गया, उसके आधार पर उनको अगला रबी सीजन में उनको मदद करने के उद्देश्य से कृषि इनपुट अनुदान देने का प्रावधान है। सो गत वर्ष की भांति इस बार भी देने का निर्णय लिया गया। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों को भी इस योजना के तहत अनुसूचित जाति जनजाति के किसानों के समतुल्य अनुदान देने का भी निर्णय हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं सूबे की सियासत की। सत्ता के सेमीफाइनल में सत्ताधारी धड़ाम हो गए हैं। परिणाम के बाद एनडीए चित है तो लालटेन हिट है। जी हां, नतीजों में आरजेडी को 2 सीटों पर जीत मिली है। वहीं जेडीयू ने कांटे की टक्कर में नाथनगर सीट को बचाने में वो कामयाब रही। दरौंदा सीट की बात करें, निर्दलीय उम्मीदवार करजीत सिंह को दरअसल वहां पर जीत मिली है। तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी जबरदस्त एंट्री मारी है। देखिए, ऐतिहासिक काम किया था बेलार विधानसभा क्षेत्र में, मतदाता ने उसको स्वीकार किया। हमारे पिताजी को लेकर सहानुभूति भी लोगों में बहुत थी। ये अपराधी का हार हुआ है। उपचुनाव से जनादेश का सियासी संदेश, एनडीए को झटका, आरजेडी का बढ़ा तेज, एलजेपी के प्रिंस ने बचाई गठबंधन की लाज, दरौंदा में काम न आया जेडीयू का दाव, किशनगंज से बिहार में AIMIM की एंट्री। 2020 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 6 सीटों पर हुए उपचुनाव में एनडीए को करारा झटका लगा है। 5 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी और जेडीयू के प्रत्याशी चारों खाने चित्त हो गए। बड़े बड़े नाम धराशायी हुए, नए नायकों का उदय हुआ,
उपचुनाव के परिणाम ने जेडीयू की चिंता बढ़ा दी है। पहले बात समस्तीपुर में हुए लोकसभा के उपचुनाव की। यहां से एलजेपी प्रत्याशी प्रिंस राज ने 1,00,000 से ज्यादा मतों से जीत हासिल की और बिहार में एनडीए गठबंधन की लाज रख ली। प्रिंस राज को 3,84,252 और उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर अशोक कुमार को 2,83,440 वोट मिले। परिणाम अलग आया इस वजह से क्योंकि पिताजी का था यहाँ पे, उन्होंने जो किया था, जितना उनका काम किया हुआ, जितने जनता को उन्होंने जोड़ कर रखा था, उन सब ने मेरा साथ दिया है। इस दुख की घड़ी में जब पिताजी हमारे नहीं रहे तो ये सब के सब परिवार एक जुट होके और इस दुख की घड़ी में हमारा साथ दिया है। समस्तीपुर की जनता, हमारे एनडीए के हर एक कार्यकर्ता का जिसने दिन रात यहाँ पर मेहनत कर इस परिणाम को हासिल किया, पूरा श्रेय यहाँ की जनता और हमारे कार्यकर्ताओं को जाता है। दरौंदा के सियासी दंगल में जेडीयू प्रत्याशी के खिलाफ बगावत कर उतरे बीजेपी के उपाध्यक्ष रहे निर्दलीय कर्णजीत सिंह विजेता बनकर उभरे। उन्होंने 27,000 के बड़े अंतर से जेडीयू के प्रत्याशी और सिवान की सांसद कविता सिंह के पति अजय सिंह को पराजित किया। कर्णजीत सिंह की जीत का उनके समर्थकों ने जश्न मनाया। दरौंदा की 3,00,000 गरीब जनता की मतदाताओं की जीत है, ये सराफत की जीत है। दूसरी तरफ आपके अकेले ये अपराधी का हार हुआ है और सम्मानित जनता की जीत हुई है। किशनगंज विधानसभा उपचुनाव में AIMIM के उम्मीदवार कमरूल होदा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी की स्वीटी सिंह को 10,000 से ज्यादा मतों से पराजित किया। आजादी से अब तक इस इलाके को कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन इसे कांग्रेस के गढ़ में AIMIM की सेंधमारी कह सकते हैं। कमरूल होदा की जीत के बाद इलाके के लोगों में खुशी का माहौल है। समर्थन किया है, जिन्होंने वोट दिया है, जिन्होंने हमें सहयोग किया है, उन तमाम तरह लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारकबाद। परिवारवाद के खिलाफ लोग वोट दिए, यकीनन है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो परिवारवाद होना ही नहीं चाहिए। परिवारवाद, निकम्मापन और बहुत सारी चीज़ों पर हमने कामयाबी हासिल की है। AIMIM तो हर जगह चुनाव लड़ती है और लड़ रही है और ईमानदारी के साथ लड़ रही है और लोगों के पास AIMIM जा रही है अपना मुद्दा को लेकर के और मुद्दा को लेकर के चुनाव लड़ रही है, विकास को लेकर के चुनाव लड़ रही है। ये बी टीम तो वो विरोधी लोग कर रहे थे। विधानसभा उपचुनाव के परिणामों ने लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद पस्त दिख रहे आरजेडी के खेमे में खुशी की लहर दौड़ा दी। सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर सीट से आरजेडी को जीत मिली। आरजेडी उम्मीदवार जफर आलम ने जेडीयू के अरुण यादव को 15,000 से ज्यादा वोटों से पराजित किया। वहीं बांका जिले के बेलहर से आरजेडी प्रत्याशी रामदेव यादव ने 21,902 वोटों से जीत हासिल की। जेडीयू सांसद गिरधारी यादव के छोटे भाई और प्रत्याशी लालधारी यादव को करारी शिकस्त मिली। मैं लगातार 3 बार पहले भी इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर चुका हूं और जो मैंने ऐतिहासिक काम किया था बेलहर विधानसभा क्षेत्र में, मतदाता ने उसको स्वीकार किया और कहा कि ये उम्मीदवार, जितने उम्मीदवार हैं उसमें से सबसे अच्छे रामदेव यादव जी हैं, आरजेडी के उम्मीदवार अच्छे हैं, इसलिए हम लोग उसको वोट दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आरजेडी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का यह कहना है कि उपचुनाव के परिणाम ने भविष्य में बिहार से एनडीए के पूर्ण सफाई के संकेत दे दिए। उन्होंने सहयोगी कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। रघुवंश बाबू ने कहा कि कांग्रेस ने उपचुनाव को गंभीरता से नहीं लिया, जिसकी वजह से कुछ सीटें एनडीए के खाते में चली गई। रघुवंश प्रसाद सिंह अरवल के करपी में पूर्व मंत्री मुद्रिका सिंह यादव की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। ये संकेत है कि जो मोदी लहर थी सब खत्म है, यही इस चुनाव परिणाम का मतलब है, यही निष्कर्ष है कि मोदी लहर नहीं है और सरकार से तमाम लोग असंतुष्ट हैं। इसलिए लोगों को संगठित करके और संघर्ष करने की जरूरत है और इनको अपदस्थ करने की जरूरत है, लेकिन ये जो हमारे कुछ गठबंधन वाले भी खड़ा होकर के अपनी ताकत का आजमाइश किए थे, अब उनका भी इनको इस चुनाव परिणाम से सीख मिले।
जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने चुनाव नतीजों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उनका साफ तौर पर कहना है कि जनता ने राष्ट्रवाद, पाकिस्तान और 370 जैसे मुद्दों को नकार दिया, आम लोगों से जुड़े मुद्दे पर वोट दिया गया। पप्पू यादव ने आने वाले वक्त में बिहार की राजनीति में कई बदलाव आने की बात भी कही। तो पप्पू यादव ने सीधे तौर पर निशाना साधा है भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार पर। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बीजेपी पाकिस्तान, 370 और राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर लगातार चुनाव लड़ती हुई आ रही है, अब वो लहर नहीं रही, मोदी लहर जा चुकी है। और साथ ही अब जनता जो है वो असल मुद्दों पर वोट देना जानती है और इस बार जो है जनता ने असल मुद्दों पर ही वोट दिया है। इन मुद्दों से, चाहे राष्ट्रवाद की बात की जाए, पाकिस्तान की, जम्मू कश्मीर की, तमाम मुद्दों को लेकर जो है अब जनता को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। आम लोगों से जुड़े हुए मुद्दों पर इस बार जनता ने अपना वोट दिया है और बिहार की राजनीति में कुछ समय बाद भूचाल आने वाला है। हालांकि एक बार तेजस्वी यादव भी इस चीज का दावा कर चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि उपचुनाव के बाद, यानी कि छठ पूजा के बाद, जो है कोई बड़ा भूचाल बिहार की राजनीति में आएगा और साथ ही बिहार के अंदर राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है। इस बात का दावा तेजस्वी यादव कर चुके हैं। अब दूसरी तरफ पप्पू यादव ने भी ये बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार की राजनीति में बड़ा ही फेरबदल जल्द हो सकता है। हालांकि उनके इस कथनी का क्या मतलब है वो आने वाला वक्त ही बताएगा। एक लोकसभा और 5 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में एनडीए के घटक दल जेडीयू को बड़ा धक्का लगा। साथ ही महागठबंधन के नेता के रूप में तेजस्वी यादव का कद बढ़ा है। उपचुनाव में तार तार दिखी विपक्षी एकता के बीच आरजेडी के पैर जमे रहे। देखिए, जेडीयू के तीर का चूका निशाना, आरजेडी के लालटेन की लौ हुई तेज। बिहार में 5 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव के परिणाम एनडीए, खासकर जेडीयू के लिए बड़ा सेटबैक है। सत्ता की साझेदार और बिहार में एनडीए के बड़े भाई की बार बार दावेदारी जताने वाले जेडीयू खेमे के लिए ये परिणाम भविष्य के प्रति आगाह कर रहे हैं। जेडीयू का तीर निशाने से चूक गया है। उपचुनाव ने आरजेडी के लालटेन की लौ तेज कर दी है, साथ ही तेजस्वी यादव की स्थिति को भी मजबूत किया है। उपचुनाव में आरजेडी ने जेडीयू की सीटें छीन ली। उपचुनाव आपको एक मैसेज दे रहा कि जनता अपने थाली की रोटी भी गिनेगी वोट देते वक्त, बच्चियां कितनी महफूज है ये भी गिनेगी देखेंगे, किसानी किस संकट में ये भी देखेंगे, जल जमाव में उप मुख्यमंत्री को रेस्क्यू करना पड़ता है, यानी कि पूरी सरकार को रेस्क्यू करना पड़ता है, जनता वो भी देखेगी। तो ये जो एक आसमानी नैरेटिव में चुनाव करवाने की बात होती थी ना, मैं समझ रहा हूँ उसको झटका लगा है कि बिहार में ये जेडीयू खत्म हो जाएगा आने वाला। मैं घोषणा और अभी ये करता हूँ कि ये इनकी सरकार नहीं बनेगी और ये फिसड्डी साबित होंगे। एक निर्दलीय का जितना आता है उससे भी कम इनके उम्मीदवार जीतेंगे। जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में बिहार की जनता ने अपार जनसमर्थन एनडीए को दिया, इसके बाद से जिस तरह से बिहार की जनता इस डबल इंजन में पिस रही थी, उसका ये आक्रोश जनता के आक्रोश का प्रकटीकरण है। अब सवाल है कि क्या बिहार में जेडीयू की जमीन खिसक रही है। चुनाव के दौरान सवाल परिवारवाद को लेकर भी उठाए गए। सीवान की दरौंधा और बांका के बेलहर में जेडीयू सांसदों के परिजनों को टिकट देने से भी जेडीयू को नाराजगी उठानी पड़ी। जेडीयू के लिए सीवान की दरौंधा सीट बड़ा सेटबैक रही। यहां पार्टी के प्रत्याशी अजय सिंह चुनाव हार गए हैं। अजय सिंह की बीजेपी के बागी कैंडिडेट कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह से करीब 27,000 से अधिक वोटों से हार हुई। जाहिर है बीजेपी के बागी कैंडिडेट का इतने बड़े अंतर से जीतना अपने आप में जेडीयू की खिसकती जमीन का एक बड़ा उदाहरण है। जी बिहार झारखंड लोगों तक खबरें पहुंचाने के साथ ही समाज के हर पहलू से खुद को जोड़े रखता है। सामाजिक सरोकार के मुद्दे हों या फिर कारोबार जगत की दिक्कतें, जी बिहार झारखंड सभी को मंच देने की कोशिश करता है। और इसी कड़ी में पटना में रेरा समिट का आयोजन किया गया, जिसका मकसद बिल्डर्स और निवेशकों में भरोसा कायम करना है। देखिए, हर आंखों में बस एक सपना, कहीं तो एक घर हो अपना। इसी सपने को मकसद बनाया जी बिहार झारखंड। हर किसी की चाहत होती है कि उसका अपना आशियाना, लेकिन सपनों के महल को हासिल करने से पहले कई ऐसे सवाल होते हैं जिनसे निवेशक दो चार। वहीं बिल्डर्स की अपनी दिक्कतें होती हैं, नियम कायदों से लेकर आर्थिक हालात जैसे कई मोर्चों पर उन्हें जूझना पड़ता है। ऐसे में लगता है कोई तो हो जो उनकी बात को समझ सके।
निवेशकों के डर को दूर कर सके, बिल्डर्स की समस्याओं और आशंकाओं का समाधान देने में मदद कर सके, और इसी जरिए का नाम है जी बिहार झारखंड, जिसने पटना में दूसरी बार रेरा समिट आयोजित किया। जन सरोकार की पत्रकारिता के तहत ये हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि हम जनता से जुड़ी बातों को, जनता की समस्याओं को आगे करूं। रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता लाने और घर खरीदारों के हितों की रक्षा के मकसद से रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 को लागू किया गया, लेकिन इस कानून के लागू होने के बाद इससे ज्यादा फायदा कैसे उठाया जा सके, ये सभी के लिए पहेली बना हुआ है। लिहाजा रेरा समिट की मंच पर भरपूर फायदा उठाते हुए रेरा बिहार के चेयरमैन अफजल अमानुल्ला ने सभी सवालों और आशंकाओं को दूर करने और भरोसा कायम करने की कोशिश की। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या करना चाहती है? तो एक तो है कि आपका रियल एस्टेट सेक्टर को स्वस्थ और हेल्दी बनाना चाहती है, तो ग्रोथ और प्रमोशन एक एस्पेक्ट है हम लोग का। दूसरा है रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स और एजेंट्स, जिसका रजिस्ट्रेशन हम लोग करते हैं। और तीसरा है कि इंटरेस्ट अलॉटीज का भी प्रोटेक्ट करें। जी बिहार झारखंड ने इस मंच के जरिए रेरा बिल्डर्स और बायर्स तीनों के बीच सेतु बनने की कोशिश की। इस समिट के जरिए तमाम तरह के सवाल उठे और उनके जवाब भी तलाशने की ईमानदार कोशिश की गई। जबकि रेरा बिहार ने 2 अप्रैल से चार्ज लिया है, 2 अप्रैल से लेटर हमने इशू करना शुरू किया है। करीब करीब पहले महीने में जो आपके सम ऑफ द स्पॉन्सर्स हैं जी, उनको पता है कि पहले महीने में हम लोगों ने कितने नोटिस इशू किए हैं, कितने रजिस्ट्रेशन किए हैं। हमारे ज्वाइन करने से पहले पिछले एक साल में केवल 4 या 5 रजिस्ट्रेशन दिया गया था, और हमने शायद ये फर्स्ट महीने में अच्छे खासे रजिस्ट्रेशन किए हैं। एक न्यूज चैनल होने के नाते जी बिहार झारखंड अपनी जिम्मेदारी को हमेशा से निभाता रहा है। हम ना सिर्फ जनता से जुड़े मुद्दे को उठाते हैं, बल्कि उन्हें सिस्टम तक पहुंचाते भी हैं। आपकी अपेक्षाओं को कारगर अंजाम तक पहुंचाना हम अपना कर्तव्य समझते हैं। इस समिट के जरिए भी हमने यही कोशिश की, ताकि बिल्डर की आशंकाओं, रेरा की अपेक्षाओं और निवेशकों की दुविधा को दूर किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बिहार झारखंड से जुड़ी हर ताजा तरीन खबरों के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.zbiharzharkhand.com पर।